गाइस सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं भाई, 2 मिनट के अंदर मेरा ये कार्ड अप्रूव हो गया, और ना ही मैंने कोई इनकम प्रूफ दिया है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट दिए, और ना ही मेरी कोई वेरिफिकेशन हुई है। बिना वेरिफिकेशन के, बिना डॉक्यूमेंट के ये मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया। और सबसे बड़ी बात तो गाइस इसके अंदर ये है कि भाई ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री होने वाला है, 1 रुपया भी आपको चार्ज देने की जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ेगी। अब क्या मैंने इसके अंदर डिटेल डाली और क्या चीज मैंने ऐसी एंटर करी है कि भाई इन्होंने 2 मिनट के अंदर मेरा कार्ड अप्रूव कर दिया, और क्या है इसका न्यू प्रोसेस अप्लाई करने का वन कार्ड का, हम सारी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बिना किसी देरी के जल्दी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। प्रूफ तो मैंने आपको दिखा दिया भाई, 2 मिनट के अंदर मेरा कार्ड अप्रूव हो गया, और मैं आपका कार्ड भी अप्रूव कराऊंगा, 99% अप्रूव हो जाएगा। ना तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देना, ना ही कोई इनकम प्रूफ देना है, और ना ही आपकी कोई वेरिफिकेशन होने वाली है, और आपका ये कार्ड 2-3 मिनट के अंदर ही अप्रूव हो जाएगा। हो सकता है लिमिट थोड़ी कम आए, लेकिन अप्रूव जरूर होगा। इस कार्ड के बेनिफिट की ना मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो भाई वो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, प्रॉपर मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने सारे इसके बेनिफिट बता रखे हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ अप्लाई प्रोसेस की, क्योंकि अप्लाई प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और यहां पर आपने अगर अप्लाई प्रोसेस में गलती कर दी ना तो भाई आपका कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा, और उसके बाद लगभग 3 महीने के बाद ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे दोबारा। तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, वीडियो के अंदर पूरा बने रहना और स्टेप बाय स्टेप देखना, सेम ऐसी प्रोसेस डालना, आपका कार्ड 99% अप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी फोन की स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं आपको किस तरीके से अप्लाई करना है ये कार्ड। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, वहां से आप क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली मोबाइल नंबर डाल के आप उसके ऐप पे आ जाएंगे, वन कार्ड की मोबाइल नंबर डाल के उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप सीधा इस वाले पेज पर आ जाएंगे, और यहां से आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी डिटेल एंटर करनी है, फुल नेम तो आपका आ जाएगा जब आप एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद आपको यहां पर मदर नेम डालना है फर्स्ट, उसके बाद मदर लास्ट नेम, उसके बाद फादर फर्स्ट नेम और फादर लास्ट नेम, और ये डिटेल वही डालना जो आपके डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड पैन कार्ड इन सब में होती है वही। उसके बाद यहां से आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है इंडियन, और उसके बाद कर देना सीधा नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहां पर थोड़ी सी पर्सनल डिटेल डालनी होगी, जैसे कि भाई आप शादीशुदा हैं या नहीं है, अगर हैं तो आप अपनी वाइफ का यहां पर सेलेक्ट करके नाम डाल सकते हैं, मेरी ऑलरेडी वाइफ है तो मैं डाल ही देता हूं। उसके बाद आपको ये पूछने वाला कि आप क्या करते हैं भाई, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या जो भी करते हैं, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आपको यहां पर इनकम पूछी जाएगी आपकी, कि इनकम कितनी है, तो यहां पर मैंने डाली है 5 से 10 लाख। अब यहां पर आप 5 से 10 लाख भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 से 7 लाख भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकम प्रूफ तो भाई बहुत कम मांगा जाएगा, अगर आपका यहां पर सिविल स्कोर मजेदार है ना तो भाई डेफिनेटली आपकी इनकम प्रूफ की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सिविल स्कोर में डाउन है, मतलब 400-500 सिविल स्कोर है ना, तो भाई वहां पर शायद आपसे इनकम प्रूफ मांगा जाए। बाकी मेरे हिसाब से 500 से ऊपर सिविल स्कोर है ना तो भी आपका ये कार्ड अप्रूव हो जाएगा बिना इनकम प्रूफ के। उसके बाद आपको नीचे पूछा जाएगा कि आपका कोई रिलेटिव कोई पॉलिटिक्स वगैरह में तो नहीं है, तो भाई यहाँ पर आपको सीधा कर देना है नो, कोई पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में नहीं है। तो यहाँ से आपको करना सीधा नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड डाल देना है, आधार कार्ड डालने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करके सीधा OTP, तो उसके बाद यहां से आपको OTP डालना है, OTP डालकर सीधा करना है प्रोसीड। तो जैसे यहां पर इसको प्रोसीड टू KYC करेंगे तो गाइस यहां से आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको लेके जाएगा ये वीडियो KYC की तरफ। अब यहां पे ध्यान रखना थोड़ा सा, अब जैसे ही आप वीडियो KYC की तरफ आ जाते हो तो यहां पर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत केयरफुली। फर्स्ट आया था यहाँ पे जिस रूम में बैठकर आप वीडियो KYC कराने हैं ना, तो भाई वहां पर उस रूम के अंदर आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी बैक कैमरा स्टार्ट कर देते हैं और बैक कैमरे से पता लग जाता है कि सामने वाला बंदा कौन है, ये कहां से कैसे, गलत तो कोई वेरिफिकेशन नहीं करा रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, आपको चश्मा नहीं पहनना है उसके अंदर, हालांकि जब पहनोगे तो उतरवा देंगे, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चश्मा और कैप, ये दोनों चीज आपको नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज, आपको एक पेन और एक पेपर लेके बैठना है भाई, आपका वो साइन है ना लाइव कराएंगे आपसे, और एक फोटो कैप्चर करेंगे, और पैन कार्ड लेके बैठना होगा, पैन कार्ड की वो फोटो क्लिक करेंगे बस। तो जैसे ही आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएंगे तो गाइस उसके बाद आपको सिंपली 2 से 3 मिनट के अंदर इस टाइप का मैसेज आ जाएगा, और उस मैसेज में साफ लिखा होगा, हे विनीत, योर वीडियो KYC फॉर वन कार्ड इज डन, लॉग इन इन टू द वन कार्ड ऐप, एक्टिवेट वर्चुअल क्रेडिट। तो यहां पर इन्होंने मुझे मैसेज के थ्रू बता दिया है कि आपकी जो वीडियो KYC है वो पूरी तरीके से डन हो चुकी है, आप अपना वर्चुअल क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर लीजिए ऐप में जाकर। तो चलो फटाफट ऐप ओपन करते हैं यहां से, और करते हैं एक्टिवेट अपना वर्चुअल क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लाइव। तो गाइस मैं यहां पर दोबारा आ चुका हूं वन कार्ड की एप्लीकेशन के अंदर, और यहां पर आप देख सकते हैं भाई अप्रूव लिमिट कितनी है, 1,20,000 रुपए की मेरे को यहां पर लिमिट मिली है। और यहां पर आप देख सकते हैं भाई, सिंपली मैं टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहां से कर देता हूं
गेट इट नाउ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई मेरा जो क्रेडिट कार्ड है भाई वो इंस्टेंट अप्रूव हो चुका है और सामने देख सकते हैं 1,20,000 की लिमिट के साथ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आपका कार्ड दिखा दिया जाएगा कि भाई आपका कार्ड इस तरीके से आएगा और आपका जो फर्स्ट नेम आना वाला वो ऐसा आएगा, लास्ट नेम ऐसा आएगा। तो यहाँ से आपको सिंपल कर देना है इसको कंफर्म। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो क्रेडिट कार्ड है किस एड्रेस पर डिलीवर करना है, तो हमें सेम एड्रेस पर डिलीवर करना जिस पर हम रहते हैं, जो हमने डिटेल में डाला था। तो यहाँ से आपको कर देना सीधा कंफर्म और कंफर्म करते ही आ गया यहाँ पर वर्चुअल कार्ड इज एक्टिवेटेड। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई मेरा जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसको ऑनलाइन यूज कर सकता हूँ कहीं भी। तो गाइस इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप अपने वन कार्ड के क्रेडिट कार्ड को, यही इसका नया प्रोसेस है। और भाई मैं आपको बताऊँ इनकम प्रूफ की, तो गाइस आपको तो यहाँ पर पता ही होगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, 400 है, 500 है, 600 है, 700 है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 500 है ना, तो आप उसके अंदर 4 लाख 5 लाख तक की भी इनकम डाल देंगे ना, तो आपसे इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 600, 700, 800 है ना, तो भाई बेधड़क होकर उसके अंदर 5 लाख 7 लाख 10 लाख भी डाल देना, आपसे इनकम प्रूफ बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा। क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पर। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है ना, तो भाई ये तुरंत अप्रूव हो जाएगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है ना, तो भाई ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि पूरा रीड करेगा फिर कि सिबिल स्कोर डाउन है, क्या क्या आपने क्वायरी करी है क्रेडिट कार्ड की, तो भाई फिर वो पूरा सब देखा जाता है कि आपने उसके अंदर इनकम तो डाल दी 6-7 लाख रुपए और आपका सिबिल स्कोर है 400, तो ये तो मैच नहीं करता ना। तो इस वजह से फिर वो इंक्वायरी में चला जाता है, तो इसलिए फिर टाइम लग जाता है। तो उसके अंदर इंक्वायरी ज्यादा होती है तो चांसेस कम हो जाते हैं उसके अंदर अप्रूव होने के। और लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा और इनकम भी आपने उसमें ठीक ठाक डाली है, तो गाइस आपका जो कार्ड है ना वो 2 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाएगा, जैसे कि मेरा हुआ। अब इस टाइम अप्लाई करने का क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ। ईयर का बिल्कुल लास्ट चल रहा है, क्लोजिंग चल रही है, सारे बैंक चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्ड सेल करें, तो इसका फायदा भाई आप लोग भी उठाओ, अप्लाई कर दो कार्ड को, तो ज्यादा चांसेस है आपके इस टाइम कार्ड अप्रूव होने के। तो अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक दे दिया, आप इसको सिंपली जाकर अप्लाई कर सकते हैं और इजी भाई आपका ये अप्रूव हो भी जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, कैसे लगे आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। चलो मिलते हैं अपने और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, बाय।